ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो फूड होता है किसके थ्रू होता है, टेक्स प्लेस बोलोगे भैया फ्लोएम में तो चार पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं चार, भैया क्लास नाइन में तो पांच पढ़ा था, तो वहां पे जो सीव ट्यूब और सीव सेल पढ़े थे, सीव ट्यूब सीव सेल, ये जो सीव सेल होती हैं यही मिलके क्या फॉर्म करती हैं, सीव ट्यूब फॉर्म करती हैं। जो सीव ट्यूब होता है बना किससे होता है, सीव सेल से, ठीक है, तो ये एक ही होता है, ठीक है, वहां पे अलग अलग बताया गया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो भैया फ्लोएम के तो चार कंपोनेंट होते हैं, कितने कंपोनेंट होते हैं, चार कंपोनेंट होते हैं, तो कौन सा वाला कंपोनेंट है फ्लोएम का जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना, मैं भी पूछ सकते हैं, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, ठीक है, और यहां पर कंपेनियन सेल क्या करती है, इनकी हेल्प करती है, ठीक है, सीव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल, ठीक है, तो कंपेनियन सेल की मदद से जो सीव ट्यूब होती है वो क्या करते हैं, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। और वैसे भी बता रहा है यार, कंपेनियन सेल मतलब ऐसी सेल जो कंपनी देती है, ठीक है, कंपेनियन, ठीक है, कंपनी देने वाली सेल, बात समझ में आया, तो सीव ट्यूब को कंपनी कौन देता है, कंपेनियन सेल्स देती है, ये फूड का डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन नहीं करवाती है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन तो होता किसके थ्रू है, सीव ट्यूब के थ्रू होता है, लेकिन उनकी हेल्प कौन कर रहा होता है, सीव सेल्स, इतनी बात समझ में आई। तो सीव सेल का क्या होता है काम, सीव ट्यूब को फूड के ट्रांसपोर्टेशन में क्या करना, हेल्प करना, और सीव ट्यूब का काम क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। ये दोनों कॉम्पोनेंट है किसके, फ्लोएम के, किसके कॉम्पोनेंट है, फ्लोएम के, इतना याद रखोगे, ये कुछ हो गया बेसिक, ठीक है। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा यहां पे ट्रांसलोकेशन, जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांस लोकेशन, मतलब समझो ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, देखना जरा, अगर आप ट्रांस देखो तो दो वर्ड है यहां पे, एक है ट्रांस, दूसरा है लोकेशन। ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ट्रांस ट्रांसफर, ठीक है, मतलब लोकेशन क्या करना, ट्रांसफर करना, लोकेशन क्या करना, ट्रांसफर करना, भैया किसकी लोकेशन ट्रांसफर करना, ट्रांसफर मतलब चेंज करना, ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब चेंज कर रहे हैं ना, बोलते नहीं इनका ट्रांसफर हो गया है, मतलब वो चेंज हो गए कहीं और पे चले गए, उनको कहीं और भेजना, बात समझ में आई। तो भैया किसका ट्रांसलोकेशन, तो फूड का ट्रांसलोकेशन, किसका ट्रांसलोकेशन, फूड का, कहां से जहां पर वो होते हैं, कहां पर, कहां तक, जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम वन प्लेस मेनली लीव से, मेनली फ्रॉम लीव टू another place in the plants through phloem is called translocation।
और आप इसको अपने तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। मतलब फूड का मूवमेंट एक प्लेस से दूसरी प्लेस, ठीक है, प्लांट में फ्लोएम के थ्रू जो होता है उसी क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। मेनली इसको रटना नहीं, सिंपल सी बात है भैया कि यहां पर ट्रांसफर लोकेशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन बोल सकते हो ना, क्या बोल सकते हो आप, पोजीशन, ठीक है। मतलब जैसे जो फूड है, जैसे सुगर है, सुगर फोटोसिंथेसिस के दौरान बना, कहां पर बना, लीव्स में, ठीक है। और मान लो उसको रूट तक भेजना है, कहां तक भेजना है, रूट तक, ठीक है, रूट को जरूरत है या स्टेम को जरूरत है, तो लीव्स से रूट या स्टेम तक इसका जो ट्रांसफर होगा वही कहलाएगा ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाएगा, ट्रांसलोकेशन। और ये ट्रांसलोकेशन होता किसके थ्रू है, ये ट्रांसलोकेशन होता किसके थ्रू है भैया, फ्लोएम के थ्रू। किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू। अब फ्लोएम में भी किसके थ्रू होता है, सीव ट्यूब के थ्रू। किसके थ्रू, सीव ट्यूब के थ्रू। और सीव ट्यूब को हेल्प कौन करता है, कंपेनियन सेल्स करती हैं। कौन करता है, कंपेनियन सेल्स करती हैं। इतना याद रखोगे, ठीक है, कि ट्रांसलोकेशन फ्लोएम करवाता है, फ्लोएम में भी कौन, सीव ट्यूब। और सीव ट्यूब की हेल्प किसने किया, कंपेनियन सेल ने किया। किसने किया, कंपेनियन सेल, नाम बता रहे हैं, कंपनी देने वाली सेल। बात समझ में आई, चलो आ जाओ भैया। अब एक चीज याद रखना, जो ट्रांसलोकेशन होता है, जो ट्रांसलोकेशन होता है वो किसका किसका होता है, सुगर का होता है, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक और दिया गया है, अमीनो एसिड्स, और एनसीईआरटी में बोल दिया गया है अदर सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। ट्रांसलोकेशन सुगर का होता है, अमीनो एसिड का होता है, और भी कुछ अदर सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, अदर सब्सटेंसेस होते हैं। अदर सब्सटेंसेस में भैया जैसे क्या आ जाएगा, हॉर्मोन्स वगैरह, क्या आ जाएंगे, हॉर्मोन्स वगैरह, ठीक है, उनका भी ट्रांसलोकेशन ये करवाते हैं। इतनी बात समझ में आई, लेकिन क्लास टेंथ में दो याद रखो, सुगर का हो गया, ठीक है, इसके अलावा अमीनो एसिड्स का हो गया। किसका हो गया, सुगर का और अमीनो एसिड्स का, ठीक है। अब बाकी लिख देना अदर सब्सटेंसेस, अदर सब्सटेंसेस में हॉर्मोन्स वगैरह आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, हॉर्मोन्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर ये ट्रांसलोकेशन होता कैसे, जो ये सीव सेल्स होती हैं या जो सीव ट्यूब्स होती हैं, ये ट्रांसलोकेशन करवाती कैसे, ठीक, आओ देखते हैं। जैसे ये मान लो स्टेम है, और ये हो गई रूट हो गई, ठीक है, और इधर से ब्रांच आई है, और यहां पर एक लीफ है, दे रहा है ये, एक मिनट, ये कलर लेते हैं, ये क्या है, लीफ हो गई, और यहां पर ये वेन्स हैं, वेनलेट्स वगैरह हैं, तो ये क्या हो गई भाई, लीफ हो गई। लीफ में ये मेन, ये क्या हो गई, मेन वाली
मिड रिब चली गई और यहाँ पर ये उनकी क्या है, वेन्स हैं और वेनलेट्स। ठीक, तो ये क्या हो गई, लीफ हो गई। अब यहाँ पर सीव ट्यूब बना दें, है ना, ये सीव ट्यूब हो गई। इनके साइड में रहते हैं कंपेनियन सेल, कौन रहता है, कंपेनियन सेल्स रहती हैं यहाँ पे ऐसे। और ये फ्लोएम के साइड में, ये फ्लोएम है, फ्लोएम के साइड में इधर जाइलम होता है, क्या है, जाइलम। ये क्या है, सीव ट्यूब। ये क्या है, कंपेनियन सेल्स। ठीक, चलो हमें पता है कि जैसे जो लीफ है यही पर होता है फोटोसिंथेसिस, साइट फॉर फोटो सिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के दौरान यहां पे बनता ग्लूकोज है, क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, जो लीव्स होती हैं जब फोटोसिंथेसिस करती हैं तो वहां पे किसका फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज का। अब लीव की सेल को जितना ग्लूकोज यूज करना था उसने क्या कर लिया, यूज कर लिया, बाकी वो अपने लिए ही तो अकेले बनाता नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा भी बनाता है। जो स्टेम्स रूट्स और बाकी जो ब्रांचेस हैं उनकी भी सेल्स क्या करती हैं, यूटिलाइज करती हैं। अब मान लो यहां पे रूट की एक सेल है, रूट की यहां पे एक सेल है, ये रूट की एक सेल है, ये एक मिनट, इससे तो फ्लोएम बनाए हैं, ये ले लेते हैं, ये रूट की क्या है, एक सेल। ठीक है, और इस सेल को मान लो चाहिए क्या, सुगर चाहिए, क्या चाहिए, सुगर चाहिए, फूड चाहिए इसको, क्या चाहिए इसको, फूड चाहिए। एक किसकी सेल है, रूट की सेल है, रूट सेल, जिसको किसकी जरूरत है, नीड फूड, इसको फूड की जरूरत है। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब होगा क्या, ध्यान से देखना, अब जो फोटोसिंथेसिस हुआ है वो कहां पर हुआ, लीफ में। जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो फूड किस फॉर्म में बना, ग्लूकोज के फॉर्म में। अगर इनको यूटिलाइज करना है तो ग्लूकोज को ये यूटिलाइज कर लेंगे, अगर इनका ट्रांसपोर्टेशन करना है तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में फूड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते। रीजन क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ये रिएक्टिव होता है, क्या होता है, रिएक्टिव। और अगर रिएक्टिव है तो मे भी हो सकता है कि ये जो ग्लूकोज है किसी और फॉर्म में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इसके लिए ग्लूकोज का क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्या, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। ठीक है, अगर पूछ ले क्यों नहीं होता है, बिकॉज ग्लूकोज इज वेरी रिएक्टिव। बात समझ में आई, चलो भैया अगर ये रिएक्टिव होता है, इस फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन इसका नहीं होता है, तो फिर किस फॉर्म में होता है, तो जो ग्लूकोज है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, कन्वर्टेड इनटू, पूरा नीचे लिख देते हैं, कन्वर्टेड, स्पेलिंग, कन्वर्टेड
grows before loading. Loading कहने का मतलब कि ये sugar को किसमें भेजना है, किसमें भेजना है, phloem में. ठीक है, तो phloem में sugar को क्या करना, डालना, क्या कहलाता है, loading कहलाता है. क्या कहलाता है, loading कहलाता है. तो loading करने से पहले जो glucose है इसको किसमें convert कर दिया जाता है, sucrose में. किसमें convert कर दिया जाता है, sucrose में. ठीक है, अब ये जो sucrose है यहां पर लिखते हैं, यहां पे ज्यादा बेटर रहेगा, यहां पे बनाए फूड किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में. किस फॉर्म में बनाए, ग्लूकोज के फॉर्म में. यहां पे दिखाई दे रहा है, एक मिनट, फूड बनाया किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में. अब इसको कन्वर्ट किस में किए, सुक्रोज में कर दिए. किस में कन्वर्ट कर दिए, सुक्रोज में. ये तो दिखाई दे रहा है ना, ठीक है. अगर ना दिखाई दे रहा हो तो याद रखना ये ग्लूकोज लिखा है. क्या लिखा है, ग्लूकोज. ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज. तो फूड बना ग्लूकोज के फॉर्म में, उसे कन्वर्ट कर दिया गया सुक्रोज के फॉर्म में. कब, जब उसका ट्रांसपोर्टेशन करना होगा. अब ये जो सुक्रोज है, ये सुक्रोज को कंपेनियन सेल की मदद से किसमें भेजा जाएगा, सीव ट्यूब में भेजा जाएगा. कहां पर भेजा जाएगा, सीव ट्यूब में. किसमें भेजा गया भैया, सीव ट्यूब में भेजा गया. ठीक है, और जब इसको सीव ट्यूब में भेजा जाएगा तो यहां पर क्या लगेगी, एटीपी. किसका यूज होगा, एटीपी यूज होगा यहां पे, एटीपी यूज्ड. ठीक है, तो जब ये प्रोसेस, जब सुक्रोज को कंपेनियन सेल की मदद से सीव ट्यूब में भेजा जाएगा तो उस समय किसका यूज किया जाएगा, एटीपी का. मतलब ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को लोडिंग बोलते हैं. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लोडिंग ऑफ फूड. तो ये जो लोडिंग प्रोसेस होती है ये एनर्जेटिक प्रोसेस होती है. कैसी प्रोसेस होती है, एनर्जेटिक प्रोसेस होती है. इतनी बात समझ में आई. तो सबसे पहले क्या हुआ, जो ग्लूकोज है इसको कन्वर्ट किया गया सुक्रोज में. अब जो सुक्रोज है इसकी क्या कराई गई, लोडिंग कराई गई. किसका यूज करके, एटीपी का यूज करके. किसकी हेल्प से, कंपेनियन सेल की हेल्प से. सुक्रोज को किसमें भेजा गया, सीव ट्यूब में भेजा गया, एटीपी का यूज करके, कंपेनियन सेल की मदद से. एटीपी का यूज करके और कंपेनियन सेल की मदद से जो सुक्रोज है इसको कहां पर भेजा गया, सीव ट्यूब में भेजा गया. कहां पर भेजा गया, सीव ट्यूब में. अब देखना उसके बाद क्या होता है. अब फूड यहां पे आ गया, ये यहां पे फूड आ गया है, ये सुक्रोज है. क्या है ये, सुक्रोज. ठीक है, तो जब यहां पर फूड आता है, जब फूड यहां पर आता है, इधर से वाटर और मिनरल्स जा रहे हैं. इधर से क्या जा रहा है, वाटर और मिनरल्स जा रहे हैं. जाइलम है भैया, तो जाइलम से वाटर और मिनरल्स जाएंगे जाएंगे. ठीक है, तो जब यहां पर लोडिंग हो जाती है सीव ट्यूब में, जब फूड आ जाता है तो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. क्या इंक्रीज हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर. और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने के कारण एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट उसके साइड में, जस्ट उसके साइड में. ठीक है, तो फ्लोएम के एडजेसेंट में जो जाइलम होता है वहां से वाटर के मॉलिक्यूल्स किसमें आने लगते हैं, फ्लोएम में आने लगते हैं. किसमें आने लगते हैं, फ्लोएम में. सुनना फिर से, जब सुक्रोज सीव ट्यूब में आया तो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया. क्या इंक्रीज हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर. और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने के कारण वाटर का मूवमेंट होने लगा जाइलम से किसमें, फ्लोएम में. किसमें होने लगा, फ्लोएम में होने लगा. जब वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्लोएम में आ गए, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्लोएम में आ गए तो यहां का प्रेशर और ज्यादा हो गया. यहां पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो गया. क्या हो गया, यहां का प्रेशर आपको बोल देना है. ठीक है, कि यहां का प्रेशर और इंक्रीज हो जाता है. और जब सीव ट्यूब में प्रेशर इंक्रीज ज्यादा हो जाता है तो जो फूड है वो अपने हाई प्रेशर से, यहां पर लो प्रेशर है, यहां पर कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर, लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर
एरिया, और यहां पे कैसा प्रेशर, कैसा एरिया क्रिएट हो गया है, हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, तो ये जो फूड का मूवमेंट है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ क्या होने लगेगा, मतलब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, मतलब मूवमेंट होने लगेगा किसका, फूड का, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। और ये जो फूड है ये यहां से जो फूड है वो इस एरिया से ऐसे होते हुए कहां तक चला आएगा, सेल के पास चला आएगा। अब यहां पर आ गया तो सेल में डायरेक्टली जो फ्लोएम है वो सेल से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं होता है या कॉन्टैक्ट में नहीं होता है। अब जब यहां पर फूड आ गया, यहां पे क्या आ गया, फूड आ गया, यहां पे फूड आ गया, इसमें वाटर भी है, तो हो क्या जाता है, ये जो फूड है यहां से निकलकर किसमें चला जाता है, सेल में, कहां पर चला जाता है, सेल में चला जाएगा। ठीक है, अभी सेल में ये फूड आ गया, ये जो शुगर है इस सेल में आ गई। जब यहां पे फूड आ जाता है तो जो वाटर जाइलम से आया था वो वाटर फिर से किसमें रिटर्न हो जाता है, जाइलम में रिटर्न हो जाता है। ये तो क्लास 10th की एनसीईआरटी में नहीं है, क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जब यहां से फूड किसमें चला जाता है, सेल्स में चला जाता है, या स्टोरेज ऑर्गन आपको बोलना है, क्या बोलना है, स्टोरेज ऑर्गन। ठीक है, तो जब फूड फ्लोएम से स्टोरेज ऑर्गन में चला जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स दोबारा रिटर्न हो जाते हैं किसमें, जाइलम में, किसमें चले जाते हैं, जाइलम में। और ये वाली जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं अनलोडिंग, क्या बोलते हैं, अनलोडिंग। ठीक है, क्या बोला जाता है भैया, अनलोडिंग। और जो अनलोडिंग होती है ये भी एनर्जेटिक प्रोसेस होती है, कैसी प्रोसेस होती है, एनर्जेटिक प्रोसेस होती है, एनर्जेटिक प्रोसेस। मतलब यहां पर एटीपी क्या होता है, यूज होता है, किसका यूज होता है, एटीपी का। तो यहां पर जब फूड को डाला जाता है फ्लोएम में तब में भी एटीपी लगती है, जब फ्लोएम से फूड बाहर किया जाता है उस समय भी एटीपी का यूज होता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, चलो। तो इस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, फूड का, किसमें, प्लांट्स में। यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक, चलो फिर से देखना। प्लांट फूड बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, अगर यूटिलाइज करना है तो इस फॉर्म में यूटिलाइज कर लेंगे, अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो ग्लूकोज को कन्वर्ट किए सुक्रोज के फॉर्म में, फिर सुक्रोज को एनर्जी का यूज करके, ठीक है, और कंपेनियन सेल की मदद से भेजा जाता है सीव ट्यूब में। सीव ट्यूब में जब सुक्रोज आता है तो वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने के कारण एडजेसेंट जाइलम से वाटर यहां पर मूव कर जाता है, जिसके कारण और प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने के कारण जो फूड के मॉलिक्यूल्स हैं इनका मूवमेंट हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ होने लगता है। और लो प्रेशर एरिया होगा कहां पर, स्टोरेज ऑर्गन्स के पास, जैसे या तो स्टेम में होगा, या तो रूट में होगा, या तो ब्रांचेस में होगा, या तो फ्रूट में होगा या तो सीड में होगा। बात समझ में आई, चलो। तो हाई प्रेशर एरिया से जो फूड है वो लो प्रेशर एरिया की तरफ क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। जब लो प्रेशर एरिया में पहुंच जाएगा, ठीक है, तो फिर एनर्जी का यूज करके फ्लोएम से जो फूड है वो स्टोरेज ऑर्गन में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब स्टोरेज ऑर्गन को अगर यूज करना है तो फिर से सुक्रोज को कन्वर्ट करेंगी ग्लूकोज में, अगर यूज नहीं करना है तो वो सुक्रोज को कन्वर्ट कर देंगी स्टार्च में। सुक्रोज को किसमें कन्वर्ट कर देंगी, स्टार्च में, और स्टार्च इनकी स्टोरेज शुगर होती है, स्टार्च क्या होती है, इनकी स्टोरेज शुगर, ठीक है, स्टोरेज शुगर। इतनी बात समझ में आई, ठीक, चलो। तो इस प्रकार प्लांट में क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ फूड का। अब एक चीज याद रखना, जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बाई डायरेक्शनल होता है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन।
ठीक है, मतलब इसका जो मूवमेंट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल, ठीक है। अभी जो मूवमेंट होता है ये डिपेंड होता है मूवमेंट ऑफ फूड डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन सीजन, ठीक है। अभी जो फूड का मूवमेंट होता है वो सीजन पे डिपेंड होता है कि सीजन कैसा है उसके बेसिस पे ये इसका मूवमेंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन होगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। बात समझ में आई? जैसे स्प्रिंग सीजन है, कैसा सीजन है? स्प्रिंग सीजन है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, प्लांट में जो लीव्स होती हैं, कुछ लीव्स होती हैं जिनमें पतझड़ के समय लीव्स क्या कर जाती हैं, झड़ जाती हैं, तो नई पत्तियां आती हैं। और जब तक नई पत्तियां नहीं आती तब तक वो जो स्टेम जो लीफ वगैरह हैं या जो बड्स बन रही हैं, क्या बन रही हैं, जो बड बन रही हैं, उनको फूड कहाँ से मिलेगा? क्योंकि बड तो फोटोसिंथेसिस करती नहीं है, तो बड को फूड चाहिए ना। तो स्टोरेज ऑर्गन से जो फूड है वो बड को क्या करने लगता है, ट्रांसपोर्ट करने लगता है प्लांट फ्लोएम के थ्रू। बात समझ में आई? तो जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम के थ्रू वो बाई डायरेक्शनल होता है। और ये जो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड होता है, सीजन पे डिपेंड होता है कि जो प्लांट हैं अभी वो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं कि नहीं कर रही। जब फोटोसिंथेसिस कर रही होती हैं तो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आता है, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही होती हैं उस समय डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाता है। इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये खत्म होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। कौन सा टॉपिक है? एक्सक्रीशन टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।